हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जाबिर अंसारी और आप सभी का दोस्तों स्वागत है सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इसरो के द्वारा वैकेंसी जारी हुआ है। इस फॉर्म के डिटेल के बारे में हमने आपको सारा कुछ वीडियो में बना के आपको बता दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप दोस्तों इस फॉर्म से संबंधित डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो का जो लिंक है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये जो इसरो की वैकेंसी जारी हुई है इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट का पेज हमने ओपन किया है, ये जो लिंक देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है, ये लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको आने के बाद यहाँ पे आपको जो वैकेंसियाँ जारी की गई हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट हैं, देख सकते हैं इधर आपका सारा पोस्ट है और अप्लाई करने का जो प्रोसीड है आपको यहाँ पर है, कितना टोटल पोस्ट है यहाँ पे देखिए सारा कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप जिसके लिए भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत प्रकार की वैकेंसियाँ जारी हुई हैं, तो आप जिसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं आपको उसी के जस्ट सामने अप्लाई करने का प्रोसीड दिया गया है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक पोस्ट अप्लाई कर रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। आप जिसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फिटर बहुत सारी वैकेंसियाँ जारी हुई हैं, तो आप जिसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं सेम प्रोसीड आपको करना है दोस्तों। आपको बिल्कुल आपको यहाँ पे जो प्रोसीड मिलेगा सेम प्रोसीड करना है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन या फिटर या टेक्नीशियन जिसके लिए फॉर्म फिलअप करेंगे आपको सेम प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म फिलअप करूँगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लाई पे कर लेना है क्लिक। इसमें जो आपको टोटल पोस्ट मिलेंगी 10, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोटल 10 पोस्ट हैं। जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज के बारे में बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पर आपको कर लेना है क्लिक। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज है आपके सामने कुछ इस प्रकार ये पेज हो जाएगा ओपन। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो मांगी गई हैं आपके अपने बारे में, तो ये सब कुछ आपको फिलअप करना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर शो कराई जा रही है और पोस्ट नेम जो है वो तीसरा, ये मैंने पोस्ट नेम सेलेक्ट किया है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन का ये पोस्ट नेम है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो मैं ये पोस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ये आपका जो पोस्ट अप्लाई होगा 4 स्टेप में फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी गई हैं तो ये सब फिलअप करना पड़ेगा। तो गैस इसको मैं पहले फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर आपको क्या क्या कैसे कैसे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो गाइस, ये मैंने सारा कुछ फॉर्म को फिलअप कर लिया। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई मिस्टेक मत करिएगा, फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एकदम ध्यान से देखना है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है यहाँ इस ऑप्शन में, ठीक है। नाम जो रहेगा आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम रहेगा वही नेम आपको यहाँ इस ऑप्शन में लिखना है। उसके बाद आपको खुद का अपना पर्सनल एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको अपना लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके अपने पिता का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अदर कहीं के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। ये जो फॉर्म है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। कैटेगरी आप किन कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस, अब जिसमें आएंगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ओबीसी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आप डिसेबिलिटी यानी कि आप विकलांग हैं
तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा किस प्रकार के विकलांग हैं, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो कर लीजिए। उसके बाद आप ई एक्स सर्विस मैन है या गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे किस प्रकार के हैं ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे आप नो पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ इस ऑप्शन में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, आधार नंबर सहित आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखना है, ठीक है। आपका अपना मोबाइल नंबर लिखना है और आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपको अपना स्टेट, शहर, सब कुछ आपको यहाँ पे फुल आपका अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है। तो देख सकते हैं एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपका ITI ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं ITI, अगर आप इससे ज़्यादा कोई किए हैं कोर्स तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ITI पे फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रेड आपका ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए ही आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका ट्रेड यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। किस ईयर में आप क्वालिफाई किए हैं यहाँ पर आपको पूरा डेट वाइज यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो आपका ITI क्वालिफिकेशन है 2 ईयर का है, या आप NCA या NTC कोई कोर्स किए हैं तो आपका 3 ईयर हो जाएगा। तो अगर आप 3 ईयर का है तो 3 ईयर, या आप 2 ईयर का है तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैं 2 ईयर का ITI क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ITI आप किए हैं NCVT या SCVT के द्वारा आप किए हैं ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। स्टेट लिखना है कि आप उत्तर प्रदेश से किए हैं या अदर किसी स्टेट से किए हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे है, तो जो भी कैंडिडेट सेमेस्टर वाइज अगर आप ITI क्वालिफाई किए हैं तो आपको पूरा सेमेस्टर वाइज यहाँ पे डिटेल्स जो है वो देना पड़ेगा। डिटेल्स में आप कितना टोटल मार्क है वो और आप कितना टोटल मार्क पाए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों सेमेस्टर वाइज क्वालिफाई नहीं हैं, आप उसके पहले से ही क्वालिफाई हो चुके हैं मतलब विदाउट सेमेस्टर वाइज, तो आप यहाँ पे टोटल कितना मार्क होता है वो लिख दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद कितना आप टोटल पाए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। आपका जो परसेंटेज है यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर आपको अगर आप अप्रेंटिस किए हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर अप्रेंटिस का डिटेल्स देना है। यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा इस ऑप्शन में येस करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम, और उसके बाद मिनिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क, परसेंटेज, ये सब डिटेल्स किए हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉई इन गवर्नमेंट, ठीक है। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई रहेंगे तो यहाँ पे आपको येस करना पड़ेगा, और उसके बाद ये सारा कुछ डिटेल्स आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे आप नो पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्पोर्ट का, तो अगर आपके पास कोई स्पोर्ट का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है या कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पर येस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप देंगे जो भी आपका सर्टिफिकेट है या कुछ भी है तो स्पोर्ट का, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन है यहाँ पे स्पॉन्सरशिप, तो ये कभी भी स्पॉन्सरशिप के लिए कुछ ऐसा वैसा किया गया होगा, आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसमें, तो ये सब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं ऐसा कुछ है तो यहाँ पे इसको आप नो करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अदर जो आपका क्वालिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओनली हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन दिया हूँ, आप चाहेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट और डिप्लोमा अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको अपना बोर्ड लिखना है, किस बोर्ड से आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या आप डिप्लोमा क्वालिफाई हुए हैं वो बोर्ड आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क लिखना पड़ेगा कि कितना आपका अंक है टोटल और कितना आप पाए हैं वो यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे कैप्चा कोड लिखना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे शो होगा, ये आपको इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको कर लेना है क्लिक। तो गैस चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं क्लिक। ओके सो गैस मैंने फॉर्म को फिलअप किया है, लेकिन जो आपका सेमेस्टर वाइज वहाँ पे अवेलेबल कराई गई थी तो वहाँ पे दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ईयर जो आपका वहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर सेमेस्टर फर्स्ट ईयर फर्स्ट, ठीक है, उसमें दोस्तों मैंने अपना टोटल मार्क यानी कि 700 लिखा है, उसके बाद में 599 एंड उसके बाद जो आपका पूरा सेमेस्टर है उसमें मैंने 00 लिखा है, उसके बाद मैंने सबमिट किया है तब ये फॉर्म जो है नेक्स्ट ऑप्शन पर आया है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग
ऐसा ही करिएगा जो मैं अभी बताया हूँ, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको अपना DOB सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। देख सकते हैं फ़ोटो जो रहेगा आपका यहाँ पे 40 KB का होना चाहिए। ये फ़ोटो आपका 110x140 पिक्सल का फ़ोटो होनी चाहिए। तो चलिए गाइस फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। चूज़ फाइल पे करना है क्लिक। इसी प्रकार दोस्तों आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो रहेगा 200x50 पिक्सल, ये आपका 20 KB का सिग्नेचर होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस इफ़ एनी। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर कर लीजिए क्लिक। तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं डायमेंशन जो है वो एरर बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ 200x15 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नेचर का डायमेंशन है वो यहाँ पे प्रॉब्लम में हो गया है, ठीक है। तो इसको हमको डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करना है ये आप लोग यहाँ पे सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो आपका प्रॉब्लम में हुआ है तो यहाँ पे आपको हीट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम यहाँ पे फ़ोटो को फिर से अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद सिग्नेचर हमको करना है डायमेंशन में कन्वर्ट। तो सिग्नेचर कहाँ गया, ये है सिग्नेचर। इसको हम करते हैं राइट क्लिक और उसके बाद इसको हम ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 में एंड एडिट पिक्चर और डायमेंशन हमको रीसाइज करना है। तो यहाँ रीसाइज पे कर लेना है क्लिक, जो रहेगा ये 200 और उसके बाद ये रहेगा 15, ठीक है, एंड ओके, ठीक है। तो ये हो गया। तो गैस आप अपना उसी प्रकार फ़ोटो को भी आप डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमेंशन यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया फ़ोटो भी, तो फ़ोटो में भी प्रॉब्लम आ रहा था तो इसलिए मैंने फ़ोटो को भी कन्वर्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 102x140, यहाँ पे आप लिखेंगे 110 तो 102 लेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 140। तो आपका फ़ोटो भी आप डायमेंशन में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने फ़ोटो को भी एरर मैंने बताया था, तो मैं फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पे कन्वर्ट किया डायमेंशन में। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया तो नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे आ गया हमारे सामने, ठीक है। तो ये प्रीवियस का ऑप्शन, यहाँ पे जो आपने फिलअप किया रहेगा सारा कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ITI का क्वालिफिकेशन फिलअप किया है यहाँ पे देखिए शो कराया जा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है उसमें मैंने यहाँ पे ये फिलअप किया है, उसके बाद टोटल जो है यहाँ पे देखिए है। तो इस प्रकार मैंने ITI का जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने फ़िलअप किया है। तो अगर आप लोग का यहाँ पे ITI का विदाउट सेमेस्टर वाइज है तो आपको ऐसे ही फ़िलअप करना है। अगर विदाउट सेमेस्टर वाइज आपका नहीं है यानी कि आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको यहाँ पे पूरा सेमेस्टर वाइज फ़िलअप करना पड़ेगा कितना आपका टोटल है, कितना पाए हैं वो, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर नीचे बिल्कुल आना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक, ठीक है। ओके सो गैस ये जो फॉर्म है देखिए मैंने फॉर्म को सबमिट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू योर अप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर आपको और आपके मेल आईडी पर मैसेज कर दिया जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करके अपना जो अप्लीकेशन है उसको कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। आपका जो ये फॉर्म है दोस्तों ये फॉर्म आपका हो गया है बिल्कुल सबमिट। आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ पे क्लिक करके पहले डाउनलोड कर लीजिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डाउनलोड, न्यू पेज ओपन करके इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। तो ये देखिए डाउनलोड हो गया है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको हम एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हो गया है ओपन, ये मैंने फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे करना है क्लिक। ओके सो गाइस फी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन अभी आपने फॉर्म फिलअप किया है दोस्तों तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल आईडी पर भेजा गया होगा, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है एंड कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये भी स्टेप हम आगे बढ़ते हैं करके। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ लिखने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर कर लेना है क्लिक।
ओके गैस, जैसे आप लॉगिन पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे ये जो आपका डिक्लेरेशन है ये सब कुछ आपके सामने हो जाएगा ओपन। सिग्नेचर जो है आपका यहाँ पे देखिए, और फोटो आपका यहाँ पे, ठीक है। आपको जो फी पेमेंट करना है यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपको करना है क्लिक। ओके सो गैस, जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार आपके सामने हो जाएगा ओपन। उसके बाद ये जो है टर्म एंड कंडीशन है गाइस, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास समय होगा तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे येस का निशान बनाना है, और उसके बाद आपको पे पर कर लेना है क्लिक। तो फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ दो ऑप्शन दी गई हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आप फी पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा फी पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने कार्ड का नंबर लिखना है, और एक्सपायरी डेट लिखना है कार्ड का, CCV कोड लिखना है, उसके बाद किसके नाम से ये कार्ड रहेगा वो, और यहाँ पर पे नाउ पर कर लेना है क्लिक। 100 रुपीज़ फी पेमेंट करना पड़ेगा नेट बैंकिंग के द्वारा अगर आप करेंगे तो। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा आपको फ़ी पेमेंट करना है, ठीक है। तो गैस, इस फॉर्म को अप्लाई तो मैं बस यहीं तक करूँगा, इसके बाद का वीडियो मैं आपको नहीं बना के बता पाऊँगा, क्योंकि ये फॉर्म का फ़ी जो है वो मैं पेमेंट नहीं करूँगा। अगर आप लोग को फ़ी पेमेंट करना है तो बस दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना डिटेल्स देना है, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करके आपको फ़ी है जो वो पेमेंट कर लेना है। तो आई थिंक गैस आप लोग इतना प्रोसीड तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप लोग को इसके आगे का नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं वीडियो इस पर तो कमेंट करिएगा, वीडियो में बना दूंगा ये कैसे आपको फी पेमेंट करना है, ठीक है। और आप दोबारा से फॉर्म को प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको मैं ऑफिशियल पेज पे लेकर चलता हूँ। ओके सो गाइस, आप फी जो पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट जो करना होगा, तो यहाँ पे आपते हैं रीप्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे रीप्रिंट क्लिक करके आपको फॉर्म को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, आपको इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स इस फॉर्म से संबंधित मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है और कैसे सबमिट करना है, ठीक है। आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होगी इस फॉर्म से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड गाइस, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त गाइस, बाय बाय।